हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसएससी का पेपर वन, जेई का जो एग्जाम हुआ है उसका पेपर वन। इसमें हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को देखते हैं एक करके। पहला क्वेश्चन है, कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है। मतलब कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो पेयर है वो सही नहीं है। ठीक है, सरल का जटिल होता है, साकार का निराकार भी होता है, साधर का निराधर भी होता है, और साक्षर का निरक्षर होता है। साक्षर मीन्स जो पढ़ा हुआ है और निरक्षर मीन्स जो अनपढ़ है। तो ये सही नहीं है, साक्षर का कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो साक्षर का अक्षर नहीं निरक्षर होना चाहिए था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण मीन्स जिसमें नंबर हो, तो सीधा नहीं है, डरपोक नहीं है, नया नहीं है, दो दर्जन, मतलब इसमें संख्या अंकित हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, इन वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है वो बताना है। देखिए, पहला क्या है, उसको दुर्जन कहकर पुकारना अनुचित है। इसका क्या होगा सही वाक्य, उसको दुर्जन कहना अनुचित है, कहकर पुकारने के बदले कहना अनुचित है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट ही है। दूसरा क्या है, उसको को घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है। इसको सही उत्तर क्या होगा, उसको घमंडी कहना ज्यादती है, तो घमंडी कहकर पुकारना के बदले क्या होगा, कहना, तो ये भी इनकरेक्ट है। तीसरा है, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, तो इसमें वातावरण की जरूरत नहीं है, ये अनावश्यक शब्द है। ठीक है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है, ये होता तो सही होता। तो लास्ट है, यह ग्रंथ विद्वता से भरा है, यह आंसर सही है, जो ये एकदम शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अगेन शुद्ध वाक्य देखना है, आकाशवाणी में समाचार प्रकाशित होता है, तो आकाशवाणी में समाचार प्रकाशित होता है, यही सही वाक्य है, आकाशवाणी में समाचार प्रकाशित होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वन मिनट, इसमें प्रकाशित नहीं, इसमें क्या होगा, प्रकाशित नहीं, समाचार है, आकाशवाणी है, तो यहाँ पे प्रसारित होना चाहिए, क्योंकि आकाशवाणी रेडियो में क्या होता है, प्रसारित होता है, प्रकाशित तो समाचार पत्र में होता है, तो ये क्या होगा, प्रसारित, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो क्या कह रहा है, शुद्ध कौन सा है, भारत और नेपाल के बीच घोर संबंध है, तो भारत और नेपाल के बीच घोर नहीं, घनिष्ठ होगा, घनिष्ठ, घनिष्ठ संबंध है। दीपावली की घटना पर अवश्य आना, घटना नहीं, यहाँ पे दीपावली के अवसर पे, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बचता है, माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए, ये आपका शुद्ध वाक्य है। फोर्थ हो गया, चलिए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या कहता है, अथ का विलोम शब्द क्या है। तो अथ का क्या होता है, अथ का होता है इति। नेक्स्ट है, निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें। तो संयुक्त का क्या होगा विलोम, संयुक्त का देखिए, संयुक्त का वैसे विलोम क्या होता है, संयुक्त मीन्स जो एक साथ है, और उसका विलोम मीन्स जो पृथक है, तो इसका पृथक होता है, अगर हम सही देखें तो पृथक होता है, बट पृथक कोई ऑप्शन इसमें से है नहीं, तो पृथक का जो सिनोनिम होता है होता है वियुक्त। ठीक है, वियुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, उर्मी और वीची निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो उर्मी और वीची किसके पर्यायवाची हैं वो देखना है, तो ये है लहर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है। तो कान कतरता है, यहाँ पे क्या है, मुहावरा है, तो इसका हमें सही मतलब बताना है। कान कतरता है मतलब, इसका मतलब है कि बहुत चतुर होना। ठीक है, मतलब बहुत छोटा है लेकिन फिर भी वो सबके कान कतरता है, मतलब बहुत चतुर है, छोटा होने के बावजूद भी वो बहुत चतुर, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ। तो जो सरकार का पतन है, तो यहाँ पे अलग अलग मत होने का इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे है इसका डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब यहाँ पे हो गया कि अपना अपना विचार अपने अपने अलग ढंग से रखना, इसको कहते हैं कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ मिलान करने वाले विकल्प को चुने। तो गिद्ध भव की मतलब क्या होता है, आपको ही पता है, गिद्ध भव की मतलब व्यर्थ की हाँकना, व्यर्थ की हाँकना। गुस्सा पीना मतलब क्या होता है, क्रोध को दबाना। ठीक है, आवाज उठाना मतलब विरोध करना। तो जब अब इसको सबको अब मर्ज कर ले, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का डी, सेकंड का सी,
लज्जित होना, और थर्ड का भी आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, 10th हो गया। 11th, पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा, तो यहाँ पे वन शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची दूसरा हो सकता है? तो देखिए, वन के लिए यहाँ पे रण्य नहीं है, रण्य अगर अरण्य होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे अरण्य नहीं है, तो कई लोग कहेंगे कि रण्य होगा, रण्य नहीं, अरण्य का मतलब वन होता है, लेकिन यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं, तो यहाँ पे जंगल आएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? पिनाकी और चंद्रमौली किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं महादेव को। ठीक है, महादेव का और नाम है पर्यायवाची। जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, वाक्य में रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? तो जल वृष्टि की जगह पर्यायवाची में और क्या आ सकता है? बादल, वर्षा, काली घटा और बूंद। तो देखिये, यहाँ पे जल वृष्टि का मतलब वर्षा है, ये तो हम वैसे भी जानते हैं। निम्न में से नश्वर का विलोम है। नश्वर मतलब जिसका कभी नाश, मतलब नश्वर है जो उसका नाश होने वाला हो। ठीक है, तो इसका क्या कह रहे हैं? विलोम शब्द उल्टा क्या है? ठीक है, तो उल्टा इसका है शाश्वत, जो हमेशा ही है, जो हमेशा ही प्रेजेंट है, जो इसका कभी नाश ना हो। नश्वर मीन्स नाश होने वाला, और इसका अपोजिट हो जाएगा जिसका कभी नाश ना हो। बेकार, आदमी व्यर्थ के काम करता है, अर्थ का अर्थ में किस लोकोक्ति से संबंधित है? इसमें लोकोक्ति बताना है कि बेकार आदमी व्यर्थ का काम करता है, मतलब देखो क्या है इसमें, थाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धन उस कोठी में धरे। मतलब जो खाली मनुष्य होता है उसके पास कोई काम नहीं होता, इधर से सामान उधर जाता है, उधर से सामान इधर लाता है, मतलब वो बिना मतलब के काम करता रहता है। तो इसके लिए लोकोक्ति क्या आएगा? लोकोक्ति सी। 15th, 16th देखते हैं। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो गांव का मकान देखना, लुकिंग। ठीक है, तो इसमें देख रहा है, ये है वाक्य में क्रिया, तो क्रिया है देखना। मैं संध्या के समय को नित्य खेलने जाता हूं, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो कौन सा भाग गलत है बताना है। मैं संध्या के समय नित्य खेलने जाता हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अशुद्धि कौन सा है? तो सबसे पहले संज्ञा की अशुद्धि है, मतलब जो संज्ञा है इसमें, तो इसमें मैं संध्या को नित्य खेलने जाता हूँ, क्या होगा? मैं संध्या के समय नहीं, मैं संध्या को नित्य खेलने जाता हूँ, के समय के बदले आएगा को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, के समय की जगह को आएगा खाली। ठीक है, 17th हो गया। 18th में क्या है, ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको हमें पढ़ के आंसर करना है, तो उम्मीद है आप लोगों ने गद्यांश तो पढ़ लिया होगा। गद्यांश का पहला है, भारत में कौन सा क्षेत्र वनाग्री या दानावल के लिए सबसे अधिक प्रवण है? ठीक है, मतलब दानावल मतलब क्या होता है, जो फॉरेस्ट वगैरह में जो आपदाएं आती है उसको बोलते हैं दावानल। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रवण है, मतलब कौन सा ससेप्टिबल है सबसे ज्यादा दावानल के लिए? तो पश्चिमी घाट, गढ़ावल, हिमालय। तो आप पैसेज पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है गढ़वाल, हिमालय जो है वो सबसे ज्यादा ससेप्टिबल है फॉरेस्ट फायर के लिए। नेक्स्ट है, आसमानी बिजली की वजह से जंगल में लगने वाली आग लंबे समय तक नहीं जलती। यहाँ पे गद्यांश में क्लियरली लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसके बाद तुरंत बारिश होती है और वो बारिश से बुझ जाती है। ठीक है, तो जाएगा इसका आंसर सी, 19th का। नेक्स्ट है, वनों की संरक्षण की एक बड़ी समस्या है, कौन सा इसमें से की एक बड़ी समस्या है? ठीक है, तो कौन से वन टाइप की वनों की संरक्षण एक बड़ी समस्या है? तो यह है दावानल। दावानल जो है वो वनों के संरक्षण के लिए, दावानल मतलब मीन्स डिजास्टर, जो फॉरेस्ट डिजास्टर है उसको बोलते हैं दावानल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक उपाय दावानल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है? कैसे इसको रोक सकते हैं? तो देखिए, इसको रोकने के लिए क्या तरीका है, वन के समीप ज्वलनशील पदार्थों का अनावश्यक ढेर न बनने देना। ये पैसेज में गिवन है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये पैसेज में गिवन है कि ढेर नहीं लगने देना है, ऊपर से आपको कोई भी ज्वलनशील पदार्थ वहां पर नहीं रखना है, गड्ढे में कोई भी सामान एक्युमुलेट नहीं होने देना है, तो ये सब रिमेडी मेजर में दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा किसका, बी। नेक्स्ट है, किस प्रकार के वन दावानल की चपेट में आ जाते हैं? ये भी आपको पैसेज में क्लियरली गिवन है, तो इसका आंसर है यहाँ पे ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में नहीं उगते हैं। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि पश्चिमी हिमालय जो है ना, वेस्ट हिमालयाज, वो ज्यादा ससेप्टेबल है क्योंकि वो कम वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में आते हैं। पूर्वी हिमालय जो है वो ज्यादा वर्षा घनत्व वाले में आते हैं, तो वहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे वो कम आते हैं। तो क्या कह रहा है कि क्या है इस मतलब किस प्रकार के वन दानावल की चपेट में आते हैं? तो ऐसे जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में नहीं उगते हैं, जैसे कि वेस्ट हिमालयास। तो ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 23 क्या है,
उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली हुई है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? यहाँ पे गलत पूछा है, तो उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली हुई है, तो इसको क्या है, उसकी ख्याति देश भर में फैली है, उसकी ख्याति सारे देश भर में के जगह देश भर में फैली है, देश भर में फैली हुई है, तो इसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा, सारे देश, तो इसको आएगा, इसके बदले आएगा सारे देश के बदले देश भर, ठीक है। नेक्स्ट 24th पे चलते हैं। 24th क्या कहता है, निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं, जिसका वेट जो है वो ऑब्जेक्ट पे पड़े उसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट पे पड़ना चाहिए, तो उड़ना उड़ कौन रहा है, पक्षी, ठीक है, तो 24 कौन सा हो जाएगा। बाकी सब में निबंध किसके साथ जा रहा है, लिखते के साथ, समान किसके साथ, उठने के साथ, बलराम क्या कर रहा है, खिला रहा है, तो इसमें आप क्रिया देख रहे हो ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है, लेकिन इसमें क्रिया सब्जेक्ट के साथ आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 24 का। आगे बढ़ते हैं 25 का। 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम क्या है? तो 1 लीटर यहाँ पे आ गया संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 26 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड पोस्ट डेट। तो पोस्ट डेट का एंटोनिम क्या है, तो पोस्ट डेट का एंटोनिम्स है एंटी डेट। पोस्ट डेट मतलब बाद का डेट, और एंटी डेट मतलब पहले का डेट, प्री डेट जिसको बोलते हैं। आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द वर्ड रेग्युरगिटेट, रेग्युरगिटेट के लिए सिनोनिम, ठीक है, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो 27 का क्या हो जाएगा, इसके लिए और कौन सा होता है, वोमिट होता है, ब्रिंग अप होता है, ये सब होता है इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड डिसरेप्यूट, डिसरेप्यूट के लिए आपको एंटोनिम्स बनाना है, इसके अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। तो डिसरेप्यूट का मीनिंग क्या होता है, एस्टीम, अपोजिट एस्टीम होता है, प्रेज बोलते हैं, ऑनर बोलते हैं, रिस्पेक्ट बोलते हैं, ये सब इसके अपोजिट वर्ड है। आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर द वर्ड डिबेस, डिबेस के लिए एंटोनिम बताना है, तो अगेन डिबेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सेल्ट, एक्सेल्ट, एलिवेट, अपलिफ्ट, डिग्निफाई, ऑनर, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। 29, 30 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर द वर्ड मिक्सचर, मिक्सचर का एंटोनिम मतलब जहां पे सेपरेशन हो, तो सेपरेशन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर, जहां पे एरर है उसको बताना है। द फैब्रिक वॉज सो सॉफ्ट दैट इट पास्ड इन द फिंगर रिंग, द फैब्रिक वॉज सो सॉफ्ट दैट इट हैज पास्ड, इट हैज पास्ड, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, इट इज, इट हैज पास्ड। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर, द सेफ्टी मैकेनिज्म फेल्ड एंड द बिल्डिंग कैच द फायर, कॉट द फायर, कॉट द फायर, आग लग गई तो कॉट द फायर, तो कैच द फायर में एरर है, 32 का हो जाएगा डी। 33 देखते हैं, चूज द सेंटेंस विच हैज बीन करेक्टली पंक्चुएटेड, यहाँ पे पंक्चुएशन एरर बताना है, अभी एरर बताना नहीं, यहाँ पे करेक्टली पंक्चुएशन किस में है वो बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट वाले में देखिएगा, द वुमेन बॉट मेनी वेजिटेबल्स, देखिए कोलन का यूज कहाँ पे करते हैं, जब सेंटेंस, दो सेंटेंस को कोरिलेट करना होता है तो वहां पे कोलन का यूज करते हैं, और सेमी कोलन का यूज कहाँ पे करते हैं, जहां पे एक सेंटेंस खत्म हो गया दूसरा सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस अलग अलग है उनको कोरिलेट करने के लिए सेमी कोलन, बट सेंटेंस एक ही है लेकिन उसके दो पार्ट है उसके लिए हम कोलन लगाते हैं। मेनी वेजिटेबल्स, अब वेजिटेबल्स के नाम है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोलन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे सेमीकॉलन वाले ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है 34, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, एग्जाम्स टुडे फॉर द डिग्री स्टूडेंट्स, तो एग्जाम बिगिन, बिगिंस, बिगन और बिगिनिंग, तो एग्जाम्स आ गया प्लूरल वर्ड, तो ये आएगा सिंगुलर वर्ड, एग्जाम्स बिगिन, ठीक है, 34 का आ जाएगा ए। 35 देखते हैं, 35 में अगेन फ्रेज है, तो फ्रेज को पढ़ने के बाद हम लोग आंसर देखते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने फ्रेज पढ़ा होगा। 35 यहाँ पे है क्वेश्चन, पहले 35 को देख लेते हैं। 35 कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द वन गिवन बिलो, अगेन यहाँ पे भी क्या करना है, पंक्चुएशन एरर है, तो 35 में कौन सा आएगा, माई फ्रेंड बी, माई फ्रेंड बॉट अ पेयर ऑफ ह्यूज स्क्वायर एंटीक एंड ब्लू डायमंड इयररिंग्स, ठीक है, तो 35 का आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं 36 का, जैसे हमने डिस्कस किया था ये फ्रेज के क्वेश्चन है, 36 तो फ्रेज आप जब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, DRGN1 इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोमोडो ड्रैगन, ये किससे मिला है, तो पेप्टाइड से मिला है, ठीक है, कहां से, तो ब्लड प्लाज्मा से।
नेक्स्ट है, अब फ्रिज में लिखा हुआ है ये, द कोमोडो ड्रैगन इज बेसिकली अ, ये क्या है? तो ये लिजर्ड की प्रजाति है। द नेम्ड कोमोडो ड्रैगन वॉज कॉइंड बाई, किसके द्वारा दिया गया है? तो 38th का ये दिया गया है, डगलस बर्डन। ये फ्रेज में अगेन गिवन है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वॉक्स 20 miles डेली फॉर हिज स्कूल। कह रहे ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वॉक्स 20 miles डेली फॉर हिज स्कूल। यहाँ पे फॉर को नहीं, टू हिज स्कूल आएगा, ठीक है? तो 39 का आंसर आ जाएगा डी, फॉर के बदले टू आएगा, ठीक है? स्कूल के लिए नहीं, स्कूल को। 39 हो गया। 40, द डिस्कवरी ऑफ द अर्थ अर्थ कोर वॉज रिजल्ट ऑफ द स्टडीज ऑफ, ठीक है, स्टडीज बाई। अर्थ कोर की डिस्कवरी सबसे पहले 1906 में की गई थी, जब सिस्मोग्राफ से स्टडी की जा रही थी। और ये किसने किया था? तो ये किया था रिचर्ड डिक्शन ओल्डहाम ने, ठीक है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 41 पे। द फर्स्ट नोन सिस्मोस्कोप वॉज डिजाइंड बाई, फर्स्ट नोन सिस्मोस्कोप किसने डिजाइन किया था, ये पूछा है। तो ये किया गया था 132 AD में, 132 AD में चाइनीज फिलोसफर थे, उन्होंने किया था, और इनका नाम था रॉबर्ट, ये सॉरी झांग हेग, ठीक है? तो 41 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, द वर्ड सिस्मोलॉजी वॉज कॉइंड बाई, सिस्मोलॉजी की जो वर्ड है वो किसने दिया था? तो ये दिया था कितने, कब, 1857 में, और किसने दिया था? रॉबर्ट मैलेट ने, रॉबर्ट मैलेट ने। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। ऑल द एनिमल्स रैन फॉर द सेफ्टी व्हेन द लायन रोर्स इन द जंगल। अब यहाँ पे रोर्स की जगह क्या आएगा? रोर्ड, रोर्ड, ROARED। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सी, लायन। रोर्स की जगह रोर्ड, बिकॉज ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस हो जाएगा रोर्ड, ठीक है? 43 हो गया। 44 पे चलते हैं। चूज द सेंटेंस विच हैज बीन करेक्टली पंक्चुएटेड। अगेन यहाँ पे पंक्चुएशन एरर बताना है, तो यहाँ पे एरर नहीं बताना है, सही कौन सा है वो बताना है। तो 44th का देखिए, तो इसमें मेरे हिसाब से ये है, वी स्टेड इन जैसलमेर। तो ये हमने बताया था कॉलन का यूज क्या होता है, जब इन दोनों को कोरिलेट करना है। सेम सेंटेंस है, बस दो पॉइंट है। जैसलमेर राजस्थान में आता है, इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, शिरपुर किस में आता है? कर्नाटक में, बिफोर गोइंग टू दिल्ली। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 45th, चूज द मीनिंग ऑफ द इटैलिक जो है यहाँ पे, इटेलाइज्ड आइडियोम्स यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। ही हैज बीन जॉबलेस सिंस द फैक्ट्री क्लोज्ड, बट ही इज वाइफ वर्क एज स्टीम स्ट्रेस, स्टीम स्ट्रेस एंड कीप द पॉट बॉइलिंग। तो कह रहा है कीप्स द पॉट बॉइलिंग का यहाँ पे क्या मीनिंग है? कह रहा है कि उसकी भले उसकी जॉब चलेगी, उसकी वाइफ जो है वो काम करती रहे, किसके लिए? कीप्स द पॉट बॉइलिंग, ताकि घर का काम चलता रहे। मेक्स श्योर दैट फैमिली इज नॉट स्टार्विंग। तो फैमिली जो है स्टार्विंग, फैमिली के अंदर स्टार्विंग नहीं है, भुखमरी नहीं है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द वर्ड बेनिंग। बेनिंग कौन सा है इसमें? तो 46 का आंसर देखिए। 46 का इसके लिए क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है, तो इसका मीनिंग होता है फेवरेबल। नेक्स्ट 47, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्राइट। फ्राइट का मीनिंग क्या होता है? तो फ्राइट का मीनिंग होता है शिपमेंट। आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द वर्ड रिकॉइल। रिकॉइल का मीन्स क्या होता है? रिकॉइल का मीनिंग होता है बैकफायर। चूज द मीनिंग ऑफ द इटलाइज्ड आइडियम्स। अब आइडियम क्या है? लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फिट, अंडर हिज फिट। तो लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फिट मीन्स क्या होता है? कि हसन इन डूइंग वर्क। मतलब यहां पे क्या है कि डिड नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फिट, मतलब लेट द ग्रास ग्रो अंडर फिट मतलब क्या है कि बहुत जल्दी किसी काम को, मतलब बहुत स्लोली करना, बहुत धीरे धीरे करना। बट यहां पे कह रहे डिड नॉट, मतलब बहुत धीरे धीरे नहीं करना, बहुत फास्ट कर लेना। तो यहाँ पे हैसन द डूइंग वर्क हो जाएगा, क्योंकि डिड नॉट लगा दिया यहाँ पे, तो मतलब कोई काम करने में बहुत जल्दबाजी मचाना। चूज द मीनिंग ऑफ द इटलाइज्ड आइडियम्स यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। आफ्टर द मैरिज, आफ्टर मैरिज द फ्रेंड्स मेट ईच अदर वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून मीन्स कभी कभी, बहुत ही रेयर केस में मिलता है, वंस इन अ वाइल, बहुत ही रेयरली मिलता है कोई अगर आपको, आपका मित्र, तो उसको बोलेंगे वंस इन अ वाइल। नेक्स्ट है 51, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर। तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कुछ क्लॉज दिए हुए हैं, कह रहे गीता वेंट 80 किलोमीटर वेस्ट ईस्ट साइड। तो अब यहाँ पे देखिए सिंपल है, इसको आप सिंपली सॉल्व करते जाइए। तो देखिए कुछ डायग्राम कैसा बनेगा, 80 किलोमीटर इधर, फिर 20 किलोमीटर ऊपर, फिर 20 किलोमीटर इधर, फिर 80 नीचे, फिर 20 इधर। तो अल्टीमेटली स्टार्टिंग पॉइंट ये था ए, और एंडिंग पॉइंट बी था। तो क्या पूछ रहा है? इन विच डायरेक्शन वॉज सी मूविंग नाउ, किस डायरेक्शन में ये मूव कर रही थी? ये डायरेक्शन कौन सा है? वेस्ट।
आंसर हो जाएगा बी, तो 51 का आंसर हो जाएगा बी। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू मेक अ डिसीजन ऑन दिस प्रॉब्लम, हु इज द मदर ऑफ सलमान, तो सलमान की माँ इसमें से कौन है, इसमें इसको डिसीजन लेने के लिए आपको क्या डेटा चाहिए, देवी इज ऑनली अंट ऑफ सलमान, नहीं तो फिर कौन सा डेटा चाहिए हमें, सेकेंड माया इज सिस्टर ऑफ ओनली मैटरनल आंट ऑफ सलमान। मैटरनल आंट मीन्स दो बातें होती है, मौसी भी हो सकती है और मामी भी हो सकती है, तो माया अगर सिस्टर है ओनली मैटरनल आंट ऑफ सलमान की, मतलब एकमात्र मौसी जो है उसकी, मतलब मैटरनल आंट, उसकी बहन कौन है, माया, मतलब इसकी माँ कौन है, माया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बी अगर मिल जाए हमें तो हम आराम से बता सकते हैं कि सलमान की माँ कौन है, कौन है, माया। नेक्स्ट, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है तो कह रहा है कि इसमें से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो 53 का देखिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 53 का आंसर मिल जाएगा आपको डी, मतलब एस। कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वाई की माता जेठ देवर संभवतः कौन हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा एस। डिटेल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे बताने नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं मटेरियल भेज दूंगा, मेरे पास सॉल्व्ड है, तो इसका आंसर होगा एस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रीड द लिस्ट ऑफ द फैक्ट डिस्प्लेड बिलो एंड चूज द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन। फैक्ट क्या है यहाँ पे, एम लिव्स इन अ फ्लैट विच इज नॉट इंश्योर्ड, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन क्या पूछा है, मिस्टर एंड मिसेज जे डो नॉट लिव इन बोरो रोड, तो मिस्टर एंड मिसेज जे डो नॉट लिव इन बैरो रोड, तो यहाँ पे क्या बोला है, इंश्योर देयर फ्लैट विद प्लेटिनम रिस्क, तो प्लेटिनम रिस्क के लिए कौन सा इसमें क्लॉज है, देखो कह रहा है कि जो फ्लैट है एम कोई रिस्क नहीं है और बैरो रोड पे जो भी रह रहा है वो प्रीमियम कवर है, तो कह रहा है कि डोज नॉट बैरो रोड, तो यहाँ पे देखिए 54th में क्या हो जाएगा सी, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि डो नॉट है बैरो रोड, क्योंकि ये कह रहा है कि प्लेटिनम है, प्लेटिनम रिस्क के साथ उसने अपने फ्लैट को क्या क्या इंश्योर किया है और बैरो रोड के किसके साथ है, प्रीमियम कवर को, तो डो नॉट लिव ऑन बैरो रोड, तो मेरे हिसाब से नहीं, ये अनसर्टेन नहीं है बल्कि ये सर्टेन है, ट्रू है, क्योंकि इसने बैरो रोड पे ये लोग नहीं रहते क्योंकि बैरो रोड के लिए प्रीमियम कवर है और इन दोनों ने करवाया है प्लेटिनम रिस्क, तो ये अलग टाइप का कवर है, तो ये बैरो रोड पे सिर्फ और सिर्फ इस टाइप का कवर होता है। ठीक है, तो ट्रू हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते, रीड द लिस्ट ऑफ द फैक्ट्स डिस्प्लेड बिलो एंड चूज द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन। फैक्ट क्या है, अगेन ये फैक्ट दिया हुआ है, तो 55th का अगर आप आंसर डिडक्ट करेंगे तो 55th का आंसर मिलेगा अनसर्टेन, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि जे डज नॉट टॉक टू कस्टमर, जे कस्टमर से बात नहीं करता है और क्लेम हैंडलर सिर्फ कस्टमर से बात करते हैं और ओनली एडमिनिस्ट्रेशन डो नॉट टॉक टू कस्टमर, मतलब जे क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में है और क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 1 साल से पुराना नहीं है, मतलब 1 साल से कम में ही काम कर रहा है। जजमेंट क्या कह रहा है, ऑल क्लेम हैंडलर हैव बीन विद द कंपनी मोर देन 1 ईयर, तो हैंडलर जो है वो 1 साल से ज्यादा है कंपनी के साथ, इस बात का यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है, इसलिए मैंने अनसर्टेन बताया इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं, देर आर 6 फैमिली मेंबर्स, अब कह रहा है कि इसमें कोई अगेन कोरिलेशन दिया हुआ है, तो कोरिलेशन जब आप फाइंड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, तो मैंने कोरिलेशन फाइंड किया, मैं आपको डायरेक्टली उत्तर बता देता हूँ, अगर आपको अगेन सॉल्यूशन चाहिए तो मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, मटेरियल में शेयर कर दूंगा। जब आप इसका रिलेशन फाइंड करेंगे, हु इज द मदर ऑफ एक्स, तो मदर ऑफ एक्स कौन है, इसमें वाई आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। 8 पर्सन है सिटिंग सर्कुलर टेबल, तो जब आप इस टेबल को बनाएंगे, मतलब जब आप इस टेबल को अरेंजमेंट करेंगे, तो मैं आपको डायरेक्टली टेबल बता देता हूँ कि टेबल किस टाइप से बनेगा। एक सर्कुलर है, 8 अरेंजमेंट है, 2, 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8, तो मैं आपको अरेंजमेंट लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाओ, यहाँ पे बी, यहाँ पे ई, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे ए, यहाँ पे एच और यहाँ पे जी। अब क्या पूछा है, हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो जी के राइट में थर्ड नंबर पे कौन है, 1, 2, 3, तो एफ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 57th का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 58th पे, क्वेश्चन क्या करें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मार्क इफ द स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट अलग अलग है, करें इफ पी इज एन इवन नंबर, पी एक इवन नंबर है तो पी इज अ मल्टीपल ऑफ 3, हाँ पी एक इवन नंबर है तो मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि 3 के लिए मल्टीपल क्या कंडीशन है कि जो डिजिट का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो
जैसे कि कोई भी एक आंसर ले लेते हैं, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है एग्जैक्टली थ्री फैक्टर के लिए क्या कंडीशन है कि वो प्राइम नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, जो प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर होना चाहिए तभी उसके थ्री फैक्टर्स होंगे। तो ये दो कंडीशन तो मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा होगा सफिशियंट टू, एक पी एक इवन नंबर हो तो ओनली वन वाला ही सफिशियंट है उत्तर करने के लिए, सेकेंड की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 59th पे। अगेन यहाँ पे एक कंक्लूजन है, तो कह रहा है कि रॉयन पास्ट द एग्जाम विद डिस्टिंक्शन, स्कूल फीस आर वेरी हाई, इसका हमें यहाँ पे पता नहीं लग सकता, नो अदर स्कूल रेपुटेशन, इसका भी कोई कोरिलेशन नहीं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है उसमें ये कह रहा है कि रॉयन पास्ट द एग्जाम विद डिस्टिंक्शन, यही स्टेटमेंट यहाँ पे मर्ज कर रहा है, तो मतलब 59th का हो जाएगा सी। ठीक है, 59th का हो जाएगा सी। नेक्स्ट 60th क्वेश्चन देखते हैं। सिक्सटी क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि अगेन कंक्लूजन है, क्या क्या कह रहा है कि मानी लाइक्स डॉल्स, मानी लाइक्स डॉल्स में मानी डज नॉट लाइक वीडियो गेम, पता नहीं, इसमें इसको हम कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। मानी हेट्स राइडिंग, ये भी हम कंक्लूजन नहीं कर सकते हैं, तो नन फॉलोज यहाँ पे आंसर आएगा 60 का, 60 का ए। 61 क्या है, जोसेफ हैज थ्री डॉटर्स एंड ईच डॉटर हैज अ सन एंड डॉटर, द फैमिली कंसिस्ट ऑफ ओनली दीज मेंबर्स, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर इन देयर फैमिली। तो एक तो जोसेफ खुद हो गया और तीन डॉटर के तीन बेटे बेटे हैं, तो तीनों डॉटर के एक एक बेटे हैं, तो तीन और एक चार, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है देर आर सिक्स फैमिली मेंबर्स एक्स वाई जेड, वन मैरिड कपल है, तो और यहाँ पे अगेन कोरिलेशन है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, मतलब मामा। ठीक है, मामा का कोरिलेशन है। नेक्स्ट चलते हैं 63rd पे। 63rd पे, गिवन बिलो द स्टेटमेंट फॉलोड बाय द थ्री कंक्लूजन, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है आउट ऑफ द 50 स्टूडेंट हु हैव अटेंडेड द एग्जाम ओनली 40 हैव बीन पास्ड, मतलब कितने पास हुए, 20 पास हुए। अमंग दोज हु हैव पास्ड देयर वर मोर बॉयज देन गर्ल्स, ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। 20 स्टूडेंट्स हैव पास्ड, राइट, लास्ट ईयर पास परसेंटेज वॉज मोर, पता नहीं, तो ओनली सेकेंड करेक्ट है, तो ओनली सेकेंड फॉलोज, 63 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं 64th पे, कह रहे कौन सा स्टेटमेंट सफिशियंट है, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर रिसीव्ड इन एन इलेक्शन, जो विनर है वो कितने वोट से जीता है, एज्यूमिंग नन ऑफ द वोट वर इनवैलिड, सभी वोट वैलिड थे, देयर वर फोर कैंडिडेट, चार कैंडिडेट थे, द विनर रिसीव्ड 500 वोट्स, तो इसमें क्या है विनर का और जो सबसे नीचे है उसका कंपेरिजन है, द वन हु हैव रिसीव्ड द लिस्ट और अगेन विनर का कंपेरिजन है, बाकी बीच के दो के कोई कोरिलेशन नहीं है, टोटल वोट्स नहीं पता हमें, तो हम इसके इसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन, मतलब यहाँ पे इन दोनों को मिला के भी हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स, मतलब हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, तो फोर्थ हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू टेक अ डिसीजन ऑन दिस प्रॉब्लम, हाउ मेनी सन्स फरीद हैज, कितने उसके बच्चे हैं, तो फरीद हैज थ्री डॉटर्स, मतलब कह रहा है कि इसको सही करने के लिए कि कितने उसके बच्चे हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट अगर हम यूज करते हैं तो सही हो जाएगा। फोर थ्री डॉटर्स से पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे सन की बात बोला है, ईच ऑफ फरीद हैज फोर डॉटर हैव टू ब्रदर्स, ठीक है, कह रहे ईच ऑफ फरीद फोर डॉटर्स हैव टू ब्रदर्स, तो अगर हमें ये पता लग गया कि इसके चारों डॉटर को दो दो बेटे हैं, तो मतलब दो भाई हैं, तो हम इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 65 का हो गया बी। 66 पे चलते हैं। 66 अमित इज द ब्रदर ऑफ राजन रंजन एंड सन ऑफ कमाल, राकेश इज द फादर ऑफ कमल, हाउ द अमित इज रिलेटेड टू राकेश, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको अगर हम जैसे कि कोरिलेट करेंगे तो आंसर हमें इजीली मिल जाएगा। चलिए 66 का देखते हैं, तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, इसका पोता ग्रैंडसन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टेक अ डिसीजन ऑन दिस प्रॉब्लम, कह रहे हैं कि 2p इज ग्रेटर देन q, 2p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन q है और p और q पॉजिटिव है, तो अगर हम इनमें से कौन सा डेटा का यूज करें तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखो p इज इक्वल टू q तो पॉसिबल ही नहीं है, p प्लस q 100 दे रहे हैं तब भी दूसरा कंडीशन हमारे पास सही नहीं है, ग्रेटर देन है, कोई और कोरिलेशन होता तो हम फाइंड कर सकते थे, तो प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड, मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 67 का डी। नेक्स्ट है 68, अगेन यहाँ पे दो कंडीशन दे रखा है, पी का कंडीशन दे रखा है, कह रहे विच ऑफ दीज क्वालिफाई, अब यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है, पहला कंडीशन है कि पहला पी जॉब के लिए 30 इयर्स का एज होना चाहिए, 30 ईयर से कम, 10th में 50% से ज्यादा होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए मोर देन ग्रेटर देन 3 ईयर्स, बट या और दूसरे में भी एक्सपीरियंस की बात है, तो हम अगर सिर्फ एक्सपीरियंस को देखें तो क्या कह रहा है कि जो बंदा है
52% मार्क्स है उसके, एज है 27 और नो वर्क एक्सपीरियंस। तो दोनों ही जॉब के लिए वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है ही, पी के लिए मोर देन 3 ईयर्स या फिर मिनिमम 3 ईयर्स, और क्यू के लिए मोर देन 1 ईयर्स और मिनिमम एटलीस्ट 1 ईयर। तो नो वर्क एक्सपीरियंस के लिए नो क्वालिफाई, मतलब ये क्वालिफाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 68th का डी, नीदर पी नॉर क्यू, मतलब दोनों में से किसी जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, यहाँ पे अगेन वही कुर्सी वाला क्वेश्चन है कि सर्कुलर पाथ में बैठे हुए हैं, तो मैं अगेन इसका मैं बना देता हूँ आपको डायग्राम 69th का, 69th का। यहाँ पे एल है, यहाँ पे के है, यहाँ पे ओ है, इसके नीचे आएगा पी, नीचे आएगा एम, इसके नीचे आएगा एल, यहाँ पे एस सॉरी जे, जे और यहाँ पे क्यू। अब जो भी क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू जे, तो एम की पोजीशन क्या है जे के रिस्पेक्ट में, तो सेकंड राइट है, ठीक है, सेकंड टू द राइट, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड टू द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मार्क, अगेन क्वेश्चन मार्क क्या है, सफिशियंट, कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3a एंड 12b, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 20 गिवन है, ठीक है, और a और b पॉजिटिव है और उस सम दिया हुआ, मतलब a प्लस बी की वैल्यू आपको यहाँ पे 8 गिवन है और a प्लस 4b की वैल्यू गिवन है 20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो b और a दोनों की वैल्यू 4 आएगी, और a प्लस 3a प्लस 12b डिवाइड बाई 2 करोगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा, मतलब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करें तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा सी, मतलब इन दोनों को अगर इक्वेशन को यूज करें तब इजीली इसका एवरेज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और एवरेज अगर फाइंड भी करोगे तो एवरेज आएगा 30, ठीक है, ए और बी की वैल्यू दोनों की वैल्यू 4 के बराबर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71 पे, यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिया हुआ है, तो डायरेक्शन देखो ये बहुत ही सॉरी रिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे आपको कोरिलेशन दिया हुआ है, तो मैंने इसको कुछ सॉल्व किया है, तो ये आप भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ इसमें अमन और रेशमा में कोरिलेशन पूछा है, तो 71 में अगर रिलेशन फाइंड करेंगे तो ये दोनों आपस में कजिन है, ममेरे या फिर फुफेरे भाई बहन आते हैं, ठीक है। 72 का स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, अगेन वहां पे 8% का क्वेश्चन है सिटिंग वाला, मैं आपको अगेन इसका डायग्राम बता देता हूँ, ये डायग्राम भी वही है जो हमने पीछे ड्रॉ किया था, ठीक है, आप लोगों को अगर याद हो तो, ऊपर एल, नीचे एम, इधर के, फिर इधर ओ, फिर इधर पी, फिर इधर एन, फिर इधर जे, इधर क्यों, वही क्वेश्चन है आपका, क्या हो जाए, हु इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ एन, एन के फिफ्थ राइट में कौन है, एन के फिफ्थ राइट में कौन है, एन के फिफ्थ राइट में है एल, एन के फिफ्थ राइट में 1 2 3 4 5, तो ये कौन है एल, एल हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, अगेन 8% सिटिंग ऑन द टेबल, वही सेम क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे भी कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, वही का वही है, मैं आपको दोबारा से एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ऊपर आएगा बी, नेक्स्ट आएगा बी, जो पीछे अरेंजमेंट था वही सेम अरेंजमेंट है, डी बस पोजिशन खाली पूछ लिया है यहाँ पे अलग, डी के बाद नीचे आएगा सी, इसके नीचे आएगा एफ, फिर यहाँ पे आएगा ए, फिर यहाँ पे आएगा एच और यहाँ पे जी, इस तरह से बैठे हुए। अब क्या पूछा, हु इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो यहां से लेफ्ट में फिफ्थ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 कौन है, डी, तो यह 73rd का हो जाएगा डी, सॉरी 73rd का, 1 मिनट, अब यहाँ पे क्या पूछा है, 1 मिनट, पूछा है हु इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो लेफ्ट ऑफ ए मतलब 1 2 3 4 5, तो ये है डी, ठीक है, अगेन तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, डी, राइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द लिस्ट ऑफ फैक्ट्स डिस्प्लेड बिलो एंड चूज द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन, कह रहा वही है जो कस्टमर का हमारा पहले था, कह रहा है जजमेंट क्या है, जे इज अ क्लेम हैंडलर, तो जे कह रहा है जे डज नॉट टॉक टू कस्टमर, कस्टमर से बात नहीं करता, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो क्लेम हैंडलर है नहीं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, जे क्या है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है, क्लेम हैंडलर नहीं है, ये कस्टमर से बात नहीं करता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 75th, रीड द लिस्ट ऑफ फैक्ट डिस्प्लेड बिलो, अगेन वही है सेल्स पर्सन सेल पीपल, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आर्ग्यूमेंट बताना है, ऑल द सेल्स पर्सन एट द डिफेंडर इंश्योरेंस लिमिटेड हैव एन इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन इनके पास है, तो ये कह रहा है
यस, तो कि सेल्स पर्सन में पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ कि सेल पीपल वर्किंग इन पेंशन सेल हैव एन इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीड द फैक्ट, फैक्ट कह रहा है वही है जो पीछे स्टेटमेंट था वही है। अब क्या कह रहा है, डब्ल्यूज फ्लैट इज इंश्योर्ड विद प्लेटिनम रिस्क, तो डब्ल्यू कहाँ रहता है, बैरो रोड में, तो बैरो रोड किसके साथ इंश्योर्ड है, प्लेटिनम कवर के साथ, तो कह रहा है प्लेटिनम रिस्क है, तो जाहिर बात है नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो डब्ल्यूज फ्लैट किसके साथ इंश्योर्ड है, प्लेटिनम कवर के साथ, प्लेटिनम रिस्क के साथ नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, रीड द लिस्ट ऑफ फैक्ट डिस्प्लेड बिलो एंड चूज द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन, वही है जो पीछे हमने देखा था, सेम टू सेम है। अब कह रहा है पी हैज एन इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन, तो कह रहा है पी के पास है क्या, पी इज अ सेल्स पर्सन वर्किंग इन पेंशन सेल्स, और पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो पेंशन सेल्स में काम करते हैं उसके पास इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन है, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो 77 हो गया, 77 का वन। 78 पे चलते हैं, अगेन ये पेंशन वाला ही क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि इसमें से एल के पास इंश्योरेंस है या नहीं है, एल के पास, ठीक है, तो और एल क्या है, एक सेल मोर्टेज है, ठीक है, तो सेल मोर्टेज है, तो 78 का हो जाएगा सी, मतलब ये हमें पता नहीं क्योंकि सेल मोर्टेज करता है, वो सेल मोर्टेज उसका काम है, तो वो पेंशन में तो है नहीं, तो ये फॉल्स भी आ सकता है आंसर, बट यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल मोर्टेज है, तो इसके पास इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन है कि नहीं ये हमें पता नहीं, क्योंकि मोर्टेज जो बेचता है उसके पास इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन की क्या डेटा है वो हमें गिवन नहीं है, इसलिए हमने इसको अनसर्टन दिया है फॉल्स की वजह। नेक्स्ट है अगेन 8% सिटिंग अरेंजमेंट का, वही क्वेश्चन है जो पीछे हमने किया था, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, याद रखना 79 का भी वही क्वेश्चन मतलब अरेंजमेंट है जो हमने पीछे सॉल्व किया था। क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ, तो ए और एफ में क्या है जो हमने पीछे ड्रॉ किया था, तो ए और एफ दोनों ही नेबर हैं, तो ये इनके बीच में 0% है। स्टडी द इंफॉर्मेशन, अगेन ये इंफॉर्मेशन है, ये मूवमेंट का क्वेश्चन है, जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो कैसे बनेगा, देखिए पहले 20 ऊपर, फिर 25 इधर, फिर 10 ऊपर, फिर 25 इधर, और फिर 5 नीचे, तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया एंड पॉइंट। तो कह रहा है कि हाउ फार वॉज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं है, माफ कीजिएगा, ये कह रहा है गीता वेंट 80 किलोमीटर ईस्टवर्ड, तो ये इस तरह का है 80 किलोमीटर ईस्टवर्ड, देन 20 अप, देन 20 राइट, 80 डाउन एंड देन 60, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब कह रहे हैं कि हाउ फार वॉज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इससे कितना फार है, तो देखो ये है 80, ठीक है, और ये है यहाँ पे 60, ठीक है, तो ये अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 100 किलोमीटर हाइपोटेन्यूस, ठीक है, तो ये आएगा 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टेक डिसीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम, वट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर एलसीएम पी और क्यू का 37 गिवन है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मीन्स दो नेचुरल, दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिस वो नंबर जिसमें दोनों से डिविजिबल हो, तो अगर 37 है, मतलब 37 एक प्राइम नंबर है, मतलब नंबर कौन सा है, 1 और 37, तो हमें नंबर पता चल गया कि 1 और 37 है, तो हम आराम से इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट कितना होगा, 37 होगा, तो अगर ये हमें स्टेटमेंट मिल जाए तो हम आराम से बता सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट क्या है और वो है 37। नेक्स्ट, स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, अगेन ये स्टेटमेंट जो है 82 का, इसका डायग्राम जो हमने अभी बनाया था वो ये है, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो लास्ट में क्या कह रहे हैं, इन विच डायरेक्शन वॉज सी मूविंग फाइनली, इसका ये डायरेक्शन क्या था, साउथ डायरेक्शन था, तो डी हो जाएगा 82 का आंसर। 83rd पे चलते हैं, 83rd पे, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोज, कह रहा कि आप इसको पैसेज को पूरा पढ़िए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पूरा पैसेज दिया हुआ है, इसकी जॉब की रिक्वायरमेंट गिवन है कि जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रखा गया था, और यहाँ पे कह रहा था, अब एक कैंडिडेट आया तो कैंडिडेट का कह रहा है एलिजिबिलिटी बताओ, एज में क्वालिफाइड है, मेडिकल चेकअप में भी हो गया, बट फाइनली इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं हो पाया, ठीक है, बट एमएससी डिग्री है केमिस्ट्री में, एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, तो क्या होगा उसके साथ, वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एप्लीकेंट हु हैज फाउंड मेडिकली फिट एंड गो फॉर फाइनल इंटरव्यू एंड क्लियर इट फाइनल सिलेक्शन, अगर नहीं हुआ है तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये रिजेक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट, स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, क्या कह रहा है, टी टू टूवर्ड साउथ, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सोनू है यहाँ पे, ठीक है, ये सोनू है, इसके नीचे टी टू, और यहाँ पे है रानू, ठीक है, अब कह रहा है कि रानू से टी टू की डायरेक्शन क्या है, रानू से टी टू डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, तो क्या हो जाएगा 84th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85th. 85th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन है तो ये वॉकिंग का है. तो 85th का देखिए, अगर वॉक करते हैं तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट किया 20 मीटर नीचे, फिर 30 इधर, फिर 15 नीचे, फिर 10 इधर, फिर 35 ऊपर. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए. तो अब क्या कह रहा है कि हाउ फार वॉज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर, तो 40 मीटर, तो 40 मीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा. व्हाट इज इनवॉइड 10, इनवॉइड क्या है, तो ये वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बर्थ कंट्रोल पिल है, पहला बर्थ कंट्रोल पिल है जो कमर्शियली अवेलेबल है बर्थ कंट्रोल के लिए. नेक्स्ट इज हु अमंग द फेमस सिंगर वॉज पोस्टमिसली अवार्डेड पद्म विभूषण अवार्ड, तो जो मरणोपरांत पोस्टमिसली जिनको पद्म विभूषण का अवार्ड मिला है उनका नाम क्या है, तो यह है SP बालासुब्रमण्यम, ये थे तमिलनाडु से. ठीक है, दो लोगों को पोस्टमिसली मिला था, उनमें से एक थे हमारे ये सिंगर हैं तमिलनाडु के. नेक्स्ट, हैवी वाटर इज जनरली यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, हैवी वाटर कहाँ पर होता है, ड्यूटेरियम वाटर जिसे D2O कहते हैं, ये होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में कूल डाउन करने के लिए, हीटअप को कूल डाउन करने के लिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होल्ड द चेयरमैनशिप ऑफ आसियान, तो ये है ब्रुनेई, आसियान कंट्रीज का जो चेयरमैनशिप है 2021 के लिए वो ब्रुनेई के पास था. विच स्टेट असेंबली ऑफ इंडिया पास्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट रीजन बिल इन 2020, तो ये किया था आंध्र प्रदेश ने. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन, कौन सा नहीं है, द विटामिन बी. ठीक है, विटामिन बी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, इसीलिए हमें ये डेली बेसिस पे कंज्यूम करना पड़ता है क्योंकि ये बाहर एक्सर्ट आउट हो जाता है, ये स्टोर नहीं रहता है, फैट सोल्यूबल नहीं है. ठीक है, विटामिन बी टोटल 6 इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसके 6 टाइप्स होते हैं. नेक्स्ट है, द सक्सेसफुल लैंड रेवेन्यू सिस्टम अकोर एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ हिज नोबलेस, मतलब इसके कौन थे उसके दरबार में जो कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम सक्सेसफुल जो हुआ था उसको दिया था, तो ये थे राजा टोडरमल. नेक्स्ट, विच इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग वॉज एक्सटेंसिवली यूज फॉर ट्रीटिंग द कैटल इन इंडिया, फाउंड टू बी द लीथल फॉर वल्चर्स लीडिंग टू देयर रैपिड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, तो ये बहुत ही हार्मफुल हुआ था. अब देखिए इसको बाद में बैन भी कर दिया गया था, कब, 2006 में, मार्च 2006 में इसको बैन कर दिया गया था. तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था डाइक्लोफेनाक जो कि पेन किलर था बेसिकली, ये कैटल को दिया जा रहा था बट ये अंदर अंदर रिएक्शन करके बहुत सारे डेथ को कॉज कर रहा था डाइक्लोफेनाक. नेक्स्ट, वेयर इज द फेमस विरूपक्षा टेम्पल लोकेटेड, कहाँ पे है, तो ये है लोकेटेड कहाँ पे, हम्पी, मतलब कर्नाटक में. ठीक है, और ये जो साइट है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है, और ये टेम्पल किस चीज का, शिवा के जो रूप है उनके. नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द पंचेत हिल डैम कंस्ट्रक्टेड, पंचेत हिल डैम सबसे पहली बात है कहाँ पे, तो ये है दामोदर रिवर पे, और कहाँ पे है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट, आप लोगों को पता है कहाँ पे है, झारखंड में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द सेक्शन ऑफ द हिमालयाज स्ट्रेचिंग बिटवीन काली एंड द तिस्ता रिवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए पंजाब हिमालय किस किस रीजन में आता है, देखिए पंजाब हिमालय किस किस में आता है, इंदस और सतलुज रिवर के बीच में जो रीजन आता है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय. कुमाऊं हिमालय किसको बोलते हैं, सतलुज और काली रिवर के बीच में जो रीजन आता है उसको बोलते हैं कुमाऊं. असम हिमालय किसको बोलते हैं, तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो रीजन आता है उसको बोलते हैं असम हिमालय. और नेपाल हिमालय किसको बोलते हैं, काली और तिस्ता रिवर के बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं, उसके बीच में जो हिमालय उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफ्रिजरेंट दैट इज कॉमनली यूज फॉर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट, अगर अमोनिया होगा आंसर तो अमोनिया आएगा, नहीं है तो फेरॉन, आज के डेट में हम फेरॉन यूज कर रहे हैं तो फेरॉन आएगा आंसर. नेक्स्ट चलते हैं, फेरॉन R134 आज के डेट में चल रहा है, R134A बहुत कॉमनली यूज होगा. इन विच रेंज इज द फेमस पीक K2 गार्डविन, हमको पता है K2 गार्डविन आज इंडिया का सबसे बड़ा पीक है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, काराकोरम रेंज के अंदर ही आता है, वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट है. नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाई अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज को अफेक्ट करता है ब्रेन को, ये क्या करता है, न्यूरॉन्स को ब्रेक कर देता है, न्यूरॉन्स को डिके कर देता है, ये बहुत खतरनाक होता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स की लिंकेज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और न्यूरॉन्स को भी मारता है.
और न्यूरॉन्स एक ऐसा सेल है जो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। आइडेंटिफाई द स्कीम अंडरटेकन बाई द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टू इंश्योर द नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी राशन कार्ड। इसके लिए क्या था, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्री। सह्याद्री किसको बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं वेस्टर्न घाट को, ठीक है, वेस्टर्न घाट को। सतपुरा और विंध्या कहाँ पे है, बीच में। सतपुरा जो है वो सेंट्रल इंडिया में है और विंध्या इसके नीचे है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन, कौन थे, सुनील चंद्र। ये कब बने थे, देखिए कब बने थे ये भी पूछते हैं कई बार, 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 21 को बने थे सुनील चंद्र, ठीक है, इससे पहले थे सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट है हाउ द गगनयान रिलेटेड टू द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। गगनयान क्या है कि 2023 में हमें 3 इंडियन को स्पेस में भेजना है, ठीक है, द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ह्यूमन स्पेस मिशन 2023 में। द पास विच कनेक्ट द इंडियन स्टेट सिक्किम विद द चाइना तिब्बत, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं नाथुला पास, ठीक है, इसको बोलते हैं नाथुला पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द विटामिन पी, देखिए एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है। थायमिन क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं हम लोग, देखो यहाँ आपको मैं सभी विटामिन के बारे में बताता हूँ। नियासिन कौन सा है, नियासिन है विटामिन B3। राइबोफ्लेमिन कौन सा है, विटामिन B2। और थायमिन कौन सा है, विटामिन B1। और एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि नॉट रिलेटेड, तो ये विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, इसलिए विटामिन सी हमेशा हमें वेजिटेबल सोर्स से मिलता है, ये एनिमल सोर्स से नहीं मिलता, जैसे कि नींबू वगैरह से मिलता है। विटामिन सी का लॉस सबसे ज्यादा होता है हीट पे। व्हेन द रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव्स डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये पहली बार दिया था डार्सी ने, सॉरी डार्विन ने दिया था, डार्विन का सिद्धांत था। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, कि नीचे की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट है द पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ब्यास रिवर इन द स्टेट ऑफ, पोंग डैम रिवर कहाँ पे है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सल्तनत सुल्तान ऑफ दिल्ली, हमें पता है कि 1206 ईस्वी में पहला सलेब डायनेस्टी आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गजनी का सलेब था वो बनाया था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वन ऑफ द मेजर लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट ऑफ मेडिवियल इंडिया, मेरे साथ शंकराचार्य थे, शंकराचार्य आए थे शायद 788 AD के आसपास, शंकराचार्य होंगे। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट हर MD फ्रॉम USA एंड प्रैक्टिस इन इंडिया एज ए फिजिशियन एज पर काशीबाई कांति नार्क बायोग्राफी, तो ये थे आनंदी गोपाल राव जोशी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस संस्कृत ट्रिस्टिश लीलावती, लीलावती को किसने लिखा था, भास्कर ने, और ये क्या थे, मैथमेटिशियन थे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ साइमन कमीशन, तो हमें पता है कि साइमन कमीशन का चेयरमैन साइमन ही था, 1927 में आया था, लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट साइंटून बुक रिटन बाई साइंटूनिस्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव रिलीज इन अक्टूबर 2020, तो इसका नाम क्या था, बाय बाय कोरोना। नेक्स्ट When Mangal Pandey turned a rebel, he was a sepoy in the 34th Native Infantry Regiment that was the sanctioned at which place they were, Barakpur. Next question चलते हैं, which of the following is a S-band synthetic aperture radar satellite launched by ISRO for forest mapping? ISRO की website पे clearly given है, इसका नाम क्या है, Novasar, ठीक है। Which among the following option is the largest domestic communication satellite in Asia Pacific region commissioned in 1983, uska naam kya tha, INSAT-1B, INSAT-1B. Who among the following introduced a theory of bicameral mind, bicameral mind kisne diya tha, to ye diya tha Julian Jaynes ne. Next hai GSLV F10 of ISRO is an upcoming mission to explore which of the following, mere ye to earth observation satellite hai, earth yahan pe koi option nahi hai, तो आप देख लो यहाँ पे अर्थ का कोई ऑप्शन नहीं है, पता नहीं क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ ह्यूमन काइंड, ओल्डेस्ट मैमल एंसेस्टर, सबसे पुराना आज तक का मिला है, कितना पुराना है, 145 मिलियन ईयर्स अगो का। ये किस तरह का दिख रहा है, तो ये टाइनी रेट लाइक क्रिएचर का, ये कोई मैमल है, उसका रिमेन्स मिला है ह्यूमन काइंड का, सबसे पुराना 145 मिलियन अगो का, कितना साल पुराना हुआ सोच लो।
वट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ टाइम टेकन बाई न्यूली डेवलप्ड वर्ल्ड शॉर्टेस्ट एक्सरे लेजर पल्स? एक्सरे लेजर पल्स का सबसे फास्टेस्ट लेजर पल्स मिला है जो कि हमें ऑब्जर्व करने को देगा इलेक्ट्रॉन्स इन स्लो मोशन। हम इलेक्ट्रॉन को भी बहुत ही स्लो मोशन में देख सकेंगे। तो ये हुआ है 43 एटो सेकेंड्स उसकी एवरेज ड्यूरेशन मिली है। और एटो सेकेंड क्या होता है? 10^-18 सेकेंड के बराबर। ठीक है, ये इसकी एटो सेकेंड की यूनिट है, 10^-18। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस टास्क सच एज क्रिएशन, प्रोसेस, शेड्यूलिंग? इसको क्या कहते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। इन एमएस एक्सेल व्हाट डज द ऑप्शन मर्ज अक्रॉस डू? मर्ज अक्रॉस ऑप्शन क्या करता है? मर्ज अक्रॉस ऑप्शन करता है व्हेन द मल्टी रो रेंज सिलेक्टेड दिस कमांड क्रिएट्स वन मर्ज्ड सेल फॉर ऑल द रोज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्कैनर रीड्स कैरेक्टर्स, मार्क, कोड्स एंड विच हेल्प्स? ये हम कह रहे हैं कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। हम जानते हैं कि ओएमआर शीट होती है, ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन, सॉरी बी आएगा इसका आंसर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बीसीसीए स्टैंड फॉर? तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। एक होता है कार्बन कॉपी और एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब आप किसी को भेज रहे हैं मेल तो आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि किस किस को और भेजा है, तो उसको उसके लिए हम बीसीसी करते हैं। अगर पता चलाना है तो उसके लिए हम सीसी करेंगे, अदरवाइज बीसीसी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए क्या करते हैं? हम दोनों तरफ डॉलर लगाते हैं। तो ये कब लगाते, कैसे लगाते हैं? F4 प्रेस करके। इससे क्या होता है, जिस सेल का भी हम रेफरेंस ऐसे कर देते हैं, मतलब A1 सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सेल को फ्रीज करने के लिए, रेफरेंस को फ्रीज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं डॉलर साइन। इसमें ये कॉलम भी फ्रीज हो गया और रो भी फ्रीज हो गया। F4 प्रेस करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज अवेलेबल इन ईमेल हेडर? ईमेल जब करते हैं तो क्या क्या होता है? फ्रॉम होता है, टू होता है, सब्जेक्ट होता है, सेव नहीं होता। ठीक है, तो ये आएगा ऑप्शन A, 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सेल ईवी फॉर्मूला स्टार्ट्स विद, एक्सेल फॉर्मूला कैसे हम लिखते हैं? इज इक्वल टू लिख के, तो इक्वल साइन। हैंगआउट इज अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग एंड टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग इनटू सिंगल सर्विस इज डेवलप्ड बाय। तो हैंगआउट किसका फंक्शन है? जीमेल में आता है, तो ये गूगल का फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सटेंड नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क, इनेबल्स यूजर टू सेंड रिसीव डेटा अक्रॉस द शेयर पब्लिक? तो ये किसका है? LAN का, LAN कनेक्शन लोकल एरिया नेटवर्क का फीचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ सर्विस दैट यूजर सेंड अ मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन इंटरनेट? इसको हम क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। ठीक है, ईमेल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट रैम? कौन सा ट्रू नहीं है रैम के अबाउट? तो पहला ही नहीं है। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि ये वोलेटाइल होता है, जैसे ही पावर गई ये अपना स्टोरेज भूल जाता है। तो रैम स्टोर्स द डेटा परमानेंटली, जहां ही परमानेंटली आ गया ये वर्ड तो यही इनकरेक्ट हो गया, बाकी सब सही है। Which drives is made of series of circular disk? तो ये क्या, कौन बना होता है? Hard disk drive, HDD। ये किससे बना होता है? Series of circular disk से, जिसको हम पैलेटर कहते हैं। In MS Word 2016, by default the height of drop cap, drop cap letter का default height क्या होता है? तो इसकी होती है 3 line into paragraph, उसको हम 10 line तक बढ़ा सकते हैं, but default जो होती है वो 3 line paragraph इसकी height होती है। Drop कैसा होता है? जब ऐसे लिखा हुआ है और इसके मान लो एक बहुत बड़ा वर्ड कर दिया और इसके नीचे यहाँ पे हम ऐसे ऐसे लाइनिंग लिखते हैं, तो इसकी डिफॉल्ट हेड होती है वो 3 line के बराबर होती है, और इसको मैक्सिमम हम 10 line तक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच सोशल मीडिया साइट प्राइमरली प्रोवाइड्स अ वे टू कनेक्ट द प्रोफेशनल्स अराउंड द वर्ल्ड एंड इज स्पेशली डिजाइंड फॉर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, आइडियाज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? तो ये कौन है? लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन। एंड ईमेल एड्रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू सेपरेट यूजर नेम? हम सभी को पता है @gmail.com, @yahoo.com, @hotmail.com। इन एम एस वर्ड टू सेट द गटर मार्जिन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन आर अवेलेबल इन द गटर पोजिशन बॉक्स? गटर पोजिशन में आपको पता है लेफ्ट और टॉप होता है, सिर्फ लेफ्ट और टॉप कर सकते हैं हम गटर पोजिशन को। नेक्स्ट है, इन एम एक्स एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर्मेट शुड बी यूज फॉर एक्सपोनेंशियल डेटा? तो एक्सपोनेंशियल डेटा का हम क्या करते हैं? साइंटिफिक डेटा टाइप हम सेट करते हैं। Which of the following means attaching a message to a method at runtime? At runtime आ गया तो dynamic binding, और at the compilation होता तो static binding। Next question, a process request
रिसोर्स, इफ द रिसोर्स आर नॉट अवेलेबल एट द टाइम द प्रोसेस इंटर्स अ वेटिंग वेटिंग स्लेट। और कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि ये कभी वापस नहीं आता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेड लॉक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेड लॉक। एक्सेल सीट्स, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर्स किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच स्टोरेज मीडियम इज फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव, तो ये कैच मेमोरी, ये कहाँ पे होता है, प्रोसेसर पे ही माउंटेड होता है। आप सभी ने देखा होगा i3, i5, i7 में 3 MB, 6 MB, 9 MB कैच मेमोरी होती है, ये बहुत ही फास्टेस्ट होती है क्योंकि ये प्रोसेसर पे ही माउंटेड होती है। जो डेटा हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, प्रोसेसर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करता है, उसको कैच मेमोरी में सेव करके रखता है ताकि वो बहुत ही स्पीडली एक्सेस कर सके और बहुत ही स्पीडी प्रोसेस दे, इसको बोलते हैं कैच मेमोरी। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। सेकेंड नंबर पे आता है SSD, थर्ड नंबर पे आता है सेकेंड नंबर पे आता है RAM, फिर आता है SSD, फिर आता है SSD, फिर आता है HDD। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल्स इंटरनेट यूजर टू एक्सेस, नेविगेट एंड सर्च, तो ये ब्राउजर का काम है। फायरवॉल क्या करता है, इनकमिंग और आउटगोइंग कनेक्शन को प्रिवेंट करता है या फिर उसको चेक करता है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट हाइडिंग इट्स एट्रीब्यूट्स बिहाइंड इट्स ऑपरेशन, ऑपरेशन में जो इसकी ऑब्जेक्ट हाइडिंग की प्रॉपर्टी होती है किसका है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन एक प्रोग्रामिंग में एक मेथड होता है। पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, क्लास, ये सब उप्स जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, चाहे जावा में चाहे पाइथन में, उसके टाइप्स है, तो इनकैप्सुलेशन बोलते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू प्रिंट द वेरी लार्ज ड्रॉइंग और कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट बाई मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ अ पेन, तो पेन मूवमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं प्लॉटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी मस्ट बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश्ड, तो कंटिन्यूसली रिफ्रेश्ड किसकी प्रॉपर्टी है, डायनामिक रैम की। डायनामिक रैम की एक प्रॉपर्टी है या फिर इसको डिमेरिट बोल लो, इसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है टू ऑब्टेन टू मेंटेन द डेटा, कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 raised to power n, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते जाते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम 147 कन्वर्ट करेंगे तो ये पहला आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है बाइनरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, मैंने अभी डिस्कस किया 2 raised to power, तो बेस इसकी क्या होती है, 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या नहीं है, मतलब ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा आता है, इंकजेट, मतलब विदाउट इम्पैक्ट, तो ये रिवन को इम्पैक्ट नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, इंकजेट प्रिंटर। और ये सब क्या है, ये तीनों क्या है, ये सब है इम्पैक्ट प्रिंटर और ये है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सब आता है नॉन इम्पैक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डन बाई अ माइक्रोफोन डिवाइस, माइक्रोफोन डिवाइस क्या करता है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट कर देता है। बस हो गया, आंसर हो गया, कन्वर्ट साउंड वेव इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।